हाँ भाई, हम लोग यहाँ पे जूता खोल के गए थे लेकिन अपना जूता ही नहीं मिल रहा, जूता ही गुम हो गया यार। नहीं, अभी राम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और राम मंदिर का दृश्य कौन सा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी गाइस हम लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आए हैं, बट इधर आप लोग देख सकते हो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। वहाँ से लाइन शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, एंड वो रहे हमारे हनुमान जी। बट अब पता नहीं भाई हम लोगों को यहाँ पे घुसने दिया जाएगा नहीं जाएगा। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, देन फिर हम लोग जाएंगे राम जी का दर्शन करने। बट इतना ज्यादा लंबा लाइन है कि आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग घुस पाएंगे नहीं पाएंगे वो भी पता नहीं है। बट हम लोग भाई अंदर घुस गए, एकदम बीच में से घुस गए, अभी हम लोगों को एंट्री मिल गया। इधर देख सकते हो आप लोग कितना लंबा लाइन है इधर। हम लोग तो ये इतना ज्यादा भीड़ है कि भाई वहां पर लोग देखो भाई पुलिस वाले भगा रहे हैं। अब हम सभी लोगों ने जैसे जैसे दर्शन तो कर लिया हनुमान गढ़ी का, तो आप चलते हैं राम मंदिर की ओर। राम मंदिर में जाते हैं देन फिर हम लोग राम जी का भी दर्शन करते हैं। वैसे यहाँ का भीड़ तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग मतलब जैसे तैसे दर्शन किया, तो अब हम सभी लोग जा रहे हैं राम मंदिर। चलिए राम मंदिर जाते हैं, और राम मंदिर में तो भाई इससे भी ज्यादा भीड़ होगा। हनुमानगढ़ी पे ही जब इतना सारा भीड़ है तो भाई राम मंदिर पे कितना ज्यादा भीड़ होगा। हाँ भाई, हम लोग यहाँ पे जूता खोल के गए थे लेकिन अपना जूता ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पे चला गया पता ही नहीं, इतना सारा जूता ही जूता है बट भाई मेरा नहीं। ये देखो मेरा छोटा भाई का जूता ही गायब हो गया, यानी कि मेरा गायब हुआ था बट छोटा भाई ने अभी मुझे पहनने के लिए जूता दे दिया है। बट कोई बात नहीं भाई भाई इतना हंसी आ रहा है मेरे को कि भाई जूता ही गुम हो गया यार। फाइनली गाइस हम लोग राम मंदिर जाने के लिए इस तरीके से लाइन में लग चुके हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे कितना लंबा लाइन है, आगे भी आप लोग देखो कितना लंबा लाइन है। ऊपर से यहाँ पर काफी सारे लोग बैठ चुके हैं, अभी शायद से उठे होंगे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने। ओके, हमारे साथ है हमारे गुरुजी, साथ में हमारे मित्र, तो अभी हम सभी लोग जाएंगे राम मंदिर और राम मंदिर का अभी दर्शन करेंगे। चलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम का दर्शन करने जा रहे हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग ये देखो, ओ हाय, जय श्री राम, जय जय, जय जय। अभी हमने तीन चार गेट तो ऐसे ही पार कर दिया, पर अभी यहाँ पर मेन गेट है, और आप लोग देख सकते हो ये वाला मेन गेट है। जय सिया राम, जय सिया राम। फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, हम लोगों ने काफी सारा गेट को पार किया, और गेट पार करते करते लगभग आधा घंटा तो ऐसे बीत गया भाई। काफी सारा मुश्किलों को झेलने के बाद हम लोग फाइनली अभी राम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और राम मंदिर का दृश्य कौन सा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो रहा राम मंदिर हमारा, देख सकते हो आप लोग, यही रहा हमारा राम मंदिर। फाइनली फाइनली अभी हम लोग राम मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, काफी खुशी हो रहा है भाई। हम लोगों ने राम मंदिर का दर्शन कर लिया है। वैसे हम लोग राम मंदिर में जाके बिल्कुल भी रुक नहीं पाए, जैसे हम लोग रुकने की कोशिश किए तो भाई पुलिस वाले पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, बस अंदर घुसे और निकल गए हम लोग। तो इधर आप लोग देख सकते हो यही रहा राम मंदिर का दृश्य, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है राम मंदिर हमारा। तो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से दर्शन कर लिया यहाँ पर, अभी हम लोग राम मंदिर के अंदर है। ये देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है राम जी का दर्शन करके, अच्छा लगा, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। बाकी अभी तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाया, बस यही से मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। काफी अच्छा लगा लेकिन यार, इस चीज को लेकर हम लोग अयोध्या गए थे, वो सारा चीजें हमारा कम्प्लीट हो चुका है। यूं मान लो हमारा राम मंदिर जाना एक ड्रीम था, जिस ड्रीम को कम्प्लीट करके हम लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। इधर आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर कोई गाड़ी चला रहा है, तो कोई यहाँ पर इस तरीके से सो रहा है, और कोई इस तरीके से यहाँ पे वीडियो बना रहा है। तो अभी अपने घर में चलते हैं, और मैं आशा करूंगा कि राम जी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनको भी कृपा बरसाए, साथ ही मुझे भी बरसाए, मुझे बिल्कुल भी ना भूले। ओके, तो अभी हम लोग अपने
अपने घर की तरफ जा रहे हैं। काफी बोरिंग सा फील हो रहा है, कसम से बोल रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो भाई काफी जोश के साथ आए थे, बट अभी हम लोग बिहार के अंदर है एंड काफी बोरिंग सा फील हो रहा है। ठीक से हम लोगों ने नहीं सोया है और अभी सफर कर ही रहे हैं, तो कल रात को हम लोग अपने घर में पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं यार, आज का दिन हम लोग सिलीगुड़ी पे होल्ड करेंगे और कल रात को हम लोग वापस अपने घर में पहुंच जाएंगे। और घर पहुंचते ही मैं आप लोगों को नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो चलो बाय।